नियमित और पर्याप्त नींद मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई इंसान एक महीने तक न सोए तो क्या हो सकता है? यह जानने के लिए एक बार वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक अजीब प्रयोग किया। उस प्रयोग का नतीजा वाकई भयानक और चौंकाने वाला था। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर कोई इंसान एक महीने तक न सोए तो उसका क्या हाल हो सकता है? तो मिस्टीरियस वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह दृश्य 1940 का रशिया। द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। उस समय रूसी वैज्ञानिकों ने देश के दुश्मन बताए गए 5 कैदियों पर एक अजीब प्रयोग किया। उनका लक्ष्य एक ऐसी गैस की खोज करना था जो मानव शरीर से नींद की आवश्यकता को दूर कर दे। प्रारंभ में उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई गैस की सफलता का परीक्षण करने के लिए 5 कैदियों को बलि का बकरा के रूप में चुना। उन्हें लगभग एक वायुरोधी कमरे में रखा गया। कमरे के अंदर संचार के लिए माइक्रोफोन की कतार लगाई गई है ताकि वैज्ञानिकों या गार्डों को कैदियों के सीधे संपर्क में न आना पड़े। इसके अलावा जेल के अंदर नियमित भोजन और शौचालय की व्यवस्था रखी गई। फिर धीरे धीरे नींद की गैस उस कमरे के अंदर दिया गया। वैज्ञानिकों ने इन लोगों को एक महीने तक बंदी बनाकर प्रयोग करने की योजना बनाई। कैदियों से वादा किया गया था कि यदि वे 30 दिनों तक बिना किसी विरोध के अपनी हिरासत स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें 30 दिनों के बाद रिहा कर दिया जाएगा। पहले 2-3 दिन अच्छे बीते। 5 दिन बाद माइक्रोफोन पर सुना गया कि कैदी आपस में अपने पिछले जीवन में किए गए विभिन्न अपराधों के बारे में चर्चा करने लगे। फिर उनकी नोकझोंक शुरू हो गई और उन्हें आज अपने किए पर कारावास पर पछतावा होने लगा। 10 दिन बाद कैदियों के व्यवहार में धीरे धीरे पागलपन के लक्षण दिखने लगे। एक कैदी एक दिन लगातार 3 घंटे तक तेज आवाज में चिल्लाता रहा। वैज्ञानिकों और जेल प्रहरियों ने माइक्रोफोन पर चीखें सुनी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। 14वें दिन के दौरान वैज्ञानिक उत्सुक थे और उन्होंने इंटरकॉम के माध्यम से कैदियों से संवाद करने की कोशिश की। बंदियों को याद दिलाया गया है कि यदि वे परीक्षण में सहयोग करते हैं तो उन्हें 30 दिनों के बाद रिहा कर दिया जाएगा। कैदियों की ओर से माइक्रोफोन में जवाब आया, हम क्या आजादी चाहते हैं? हमें आजादी नहीं चाहिए। कैदियों के असामान्य व्यवहार से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने 15वें दिन गैस का प्रयोग बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गैस बंद होते ही कैदी फिर से गैस चालू करने की गुहार लगाने लगे। कैदियों को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल प्रहरियों को भेजा गया। पहरेदारों ने जेल का दरवाजा खोला और हैरान रह गया। उन्हें जेल के अंदर केवल 4 कैदी जीवित मिले। एक अन्य कैदी का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। कैदियों को दिया जाने वाला भोजन भी अंतहीन पाया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मृत के शरीर का मांस खा लिया हो। यहां तक कि 4 जीवित कैदियों के शरीर पर भी खाने के निशान पाए गए। अब यह समझने की जरूरत नहीं रह गई है कि कैदी सभी सामान्य खाना छोड़कर एक दूसरे को खाने लगे हैं। यह दृश्य देखकर जब जेल प्रहरियों ने कैदियों को जेल से बाहर निकालना चाहा तो उन्होंने उन्हें हिंसक तरीके से रोका। एक समय गार्ड के साथ उनकी हाथापाई इतनी बढ़ गई कि गार्ड को अंततः गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4थे जीवित कैदी ने गार्डों की ओर देखा और अजीब ढंग से मुस्कुराया और कहा कि क्या तुम भूल गए कि हम तुम हो। यह सुनकर गार्ड ने गोली चला दी। रूसी वैज्ञानिकों का यह प्रयोग नींद की कमी से मानव शरीर और दिमाग पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों का एक चरम उदाहरण है। वैज्ञानिकों को इस गुप्त परीक्षण के बारे में रूसी संपत्ति के पुराने दस्तावेजों को खोजते समय पता चला। इसका खुलासा मीडिया में भी हुआ। जिन लोगों को यह खबर पता चली है वे नींद से वंचित 5 लोगों के भयानक भाग्य के बारे में जानकर स्तब्ध हैं। तो दोस्तों, यह है हमारी आज की व्यवस्था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।